ये जो फैसला लिया गया हम इसकी इज्जत करते हैं, ये आवाम का और जनता का फैसला है और फैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें मेहनतें बड़ी थी मगर वो फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया, मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा और हम हमारी जो कमज़ोरियां हैं उसको दूर करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं, मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए पहले से करते रहेंगे और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, अच्छा बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग हमारे पूरे पार्टी की जिम्मेदारों ने मेहनत की। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं, जो फैसला आया हम उसकी इज्जत करते हैं और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसको लड़ते रहेंगे। हम हारे हैं, जीतेंगे दोबारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा आसमान गिरने वाला है। हमारे हौसले हमारा अज़म कभी कम नहीं होगा ना इससे होता है। ठीक है, हम जो चाह रहे थे उसके बरक्स नतीजा आया, कोई बात नहीं है, मगर हमारे हौसले हमारे स्पिरिट आज भी हाई हैं, कल भी हाई रहेंगे, हम लगे रहेंगे।